यामहा FZ, ये 2021 मॉडल है, यानी 2021 वाली मॉडल है। इस मॉडल के बारे में हम जानते हैं आज कि 2021 में जब आई है तो क्या अपडेट लेके आई है, और FZS से क्या डिफरेंस है वो भी हल्का हल्का देखेंगे हम कि इसमें थोड़ा सा क्या क्या अंतर है। तो और इसके बारे में एक डिटेल में भी जानेंगे हम कि इसको, इस बाइक को क्यों लें आप, क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये आना चाहिए कि 2021 में क्या अपडेट आया है। तो अपडेट में आपको तीन ही अपडेट इसमें मिलते हैं, जैसा कि FZ में आपको ज़्यादा मिलते हैं, इसमें सिर्फ तीन ही अपडेट मिलते हैं। तो पहला अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला अपडेट थोड़ा सा कलर का आया है कि जब आप ब्लैक लीजिएगा तो यहाँ पे ग्रे कलर का ये कॉम्बिनेशन फाइबर आपको देखने को मिलेगा। ये दो कलर, तीन कलर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपके ब्लैक वेरिएंट में। इवन आप डिफरेंट डिफरेंट भी कलर लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कलर में आपको ग्रेडिंग में चेंज मिलेगा। ग्लॉसी कलर में थोड़ा सा मैट को ऐड किया गया है, इवन कभी कहीं फाइबर पे ऐड कर दिया गया है, यानी कि ये सब ये फाइबर है और ये भी तो फाइबर ही है, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे ऐड कर दिया गया है। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा चेंज है कि हमारा साइड स्टैंड कटअप स्विच इसमें लग गया है, तो उसको एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें यही बात है कि जब भी आपकी गाड़ी गियर में होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी इंजन, और जैसे ही आप अगर साइड स्टैंड में बाइक को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रल पे करके स्टार्ट करना होगा, तब आपका स्टार्ट हो जाएगा। न्यूट्रल के अलावा और किसी गियर पे आपका बाइक स्टार्ट नहीं रहेगा जनरली। ये हो गया दूसरा हमारा, मतलब चेंज एक तरह से बोल सकते हैं। तीसरा चेंज है कि इसका 2 kg वेट इसका भी घटा है, और वेट कहाँ घटा है आपको पता होगा, वेट वही अंडर बेली में जो ये पार्ट था अंदर में जो एज अ साउंड रिड्यूसर या फिर पॉल्यूशन कम करने के लिए लगाया जाता था, तो उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। और तो यही हमारा तीसरा और चौथा अपडेट हो जाएगा कि इसी से आपका 2 kg वेट घटा है और वो पार्ट वहाँ से हटा दिया गया है। पांचवा अपडेट भी बोल सकते हैं एज अ, क्योंकि इसका साउंड जो है पहले से थोड़ा सा अलग आपको मिलेगा। रीज़न है कि वो जो यहाँ पे जो पार्ट था वो थोड़ा सा साउंड को चेंज करता था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग मिलेगा। लेकिन ये इतना माइनर डिफरेंस है कि हो सकता है कि आप इसको जो है पकड़ ना पाए, इसको जज ना कर पाए। और एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगा कि ये जो हटाई गई है चीज़, इसको इसलिए शायद हटाया गया है, कंफर्म तो यामहा ने नहीं किया है कुछ भी इसके बारे में, या फिर कुछ भी अपडेट भी नहीं दिया था कि ये वो रिमूव कर रहे हैं। लेकिन कैटलेटिक कन्वर्टर के आने के बाद हवा आसानी से बाहर निकल जाए, ज़्यादा जगह पे उसको जैसे बहुत ज़्यादा जगह पे ब्रेकर्स ना मिले, रुके ना, उसके कारण से शायद उसको हटा दिया गया कि हवा जो कैटलेटिक कन्वर्टर पे तो वहाँ पे हॉल्ट कर ही रही है, क्योंकि वहाँ पे चिमनी होती है, तो एक बार में बाहर में निकल जाए, तो उसके लिए शायद ये किया गया होगा। डेफिनेटली मुझे यही लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इसमें से वो बॉक्स जो है हटा दिया गया। हालांकि छोटा बॉक्स लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बॉक्स को हटा दिया। तो ये 4-5 अपडेट के आसपास आपको मिलते हैं यामहा की FZ में। ओवरऑल अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, पूल बाइक की बात करें, तो उसके अलावा आपको किसी टाइप का कोई चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। मैं एक बार टायर ज़रूर यहाँ पे चेकआउट करा दूंगा आपको कि रियर में आपको टायर कौन सा मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, टायर में भी किसी तरह का कमी नहीं किया गया, आपको रेडियल का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिलता है, सेम 140/60 सेक्शन के। कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं किया गया, रेडियल ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो प्राइस वाइज आपको जो है नहीं मिलेगा वो होगा ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, तो वही ब्लूटूथ जो है कनेक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलता है, 3D लोगो आपको देखने को नहीं मिलेगा FZ के इस ब्लैक वेरिएंट में। तो चलिए उसके अलावा हम देखते हैं इस बाइक के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो वही सेम इंजन मिल जाता है 149 cc, 12 PS का आपको पावर मिल जाएगा और 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाएगा। स्पीड के आसपास आप 60-70 आराम से चला सकते हैं हाईवे पे, उससे ज़्यादा जाने पे आपका माइलेज बहुत ज़्यादा डिफर कर जाएगा। ऐसे आप अगर नॉर्मल चलाते हैं 60 के अंदर तो आपको 45 के आसपास, 45 के आसपास माइलेज मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे राइडर हैं तो 50 मिल सकता है, लेकिन 45 नॉमिनल है, सबको मिल जाता है लगभग। उसके अलावा और अगर बात करें तो इस बाइक में आपको जो है वही वाइड टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी आपको वाइड मिलते हैं देखने को। 282 डिस्क ब्रेक, फ्रंट में सिंगल चैनल ABS, वही MRF के आपको टायर्स मिल जाते हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा वो जो कलर जो कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा था वो यहाँ भी किया गया है, ABS की ब्रांडिंग दी गई है। सिर्फ फ्रंट व्हील में आपको ABS मिलता है और कहीं ABS नहीं मिलता है। LED हेडलैम्प आपको यहाँ पे देख ऑफर में किए जाते हैं, बल्ब इंडिकेटर्स हैं, और वही छोटा सा डिस्प्ले। इसमें किसी टाइप का अपडेट नहीं किया गया है, हालाँकि इसको भी थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता था डिस्प्ले को, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर मिसिंग लगता है। इधर से भी हम देखें तो सारे फाइबर बॉडी जो है, कहीं पे भी आपका स्टील का यूज़ सिर्फ यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से गियर शिफ्टर, साइड स्टैंड,
सेंटर स्टैंड भी आपको इसमें मिल जाता है, और इस तरह से पूरी तरह से चैन को इवन कवर करने की कोशिश, ओपन चैन सिस्टम तो है ये, लेकिन ओवरऑल इसको कोशिश किया गया है कि ये कवर किया जा सके, तो इसका पूरा ध्यान मतलब कोशिश किया गया है, लेकिन ओवरऑल ये ओपन चैन सिस्टम ही है, लेकिन इससे आप कहीं ना कहीं सेफ़ हैं, अगर आपके पीछे कोई बैठता है तो कहीं ना कहीं वो सेफ़ रहेगा ज़रूर। उसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो एक टायर हगर भी यहाँ को देखने को मिल जाता है, तो ताकि जब बारिश में आप चलाएं तो पीछे जो बंदा बैठा रहे उसको पानी के छींटे ना पड़े। 7-stage एडजस्टेबल जो मोनोशॉक शॉक एब्जर्वर मिलता है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सीट साइज सेम रखी गई है, कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रैब रेल मतलब जो भी है एज़ यूजुअल है, सिर्फ जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे भी बल्ब हैं। बाकी एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट का मतलब सिंगल पाइप है, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। ओवरऑल ये पूरी तरह से कवर किया गया है, तो एज अ फैमिली बहुत अच्छा से इसको मेंटेन किया गया है, ताकि आप घर में जाएं लगाएं या फिर कोई बैठे कभी भी तो किसी का पैर जल ना जाए, किसी को कुछ हानि ना पहुंचे, उसके लिए पूरा तरह से ये कवर कर दिया गया है और फाइबर से ढक दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को लगती है। रियर में भी आपको मिल जाता है 220mm का डिस्क ब्रेक, और रियर में निसन के डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और फ्रंट में आपको बाइबर का डिस्क ब्रेक मिलता है। तो बाइबर का डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा हैवी माना जाता है, तो फ्रंट ब्रेक ही आपकी बाइक को ज़्यादा जल्दी रोक पाती है, उसका कहानी है। अब एक चीज़ जो नहीं मिलता है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है वो, लेकिन आप 3,350 रुपये खर्च करके इसमें भी लगवा सकते हैं अपने शोरूम से, तो उसका आसान से तो वो एक आसान तरीका है कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इसको लगवा सकते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाता है आपको 165mm का, और इसका सीट हाइट आपको मिलता है 790mm का। 790mm का सीट हाइट मिलने का मतलब होता है कि 5.4 से कोई भी आदमी, इस बंदे जो है, इस बाइक को आराम से चला सकता है। उसके अलावा आई थिंक सो आपको चेक करना चाहिए कि 5'4" से अगर आप कम हैं तो आप जो है वो बाइक किस तरह से चला रहे हैं, मतलब आपसे चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क वाला चीज़ है। जैसे कि मेरा 5.6 इंच का हाइट है, तो मेरा एक तरफ पैर फ्लैट आ जाता है, लेकिन एक तरफ मैं जो है पैर उठाना पड़ जाता है, अगर दूसरी तरफ करूँगा तो इधर फ्लैट आ जाएगा लेकिन इधर पैर ऊपर रखना पड़ेगा, तो ये इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना होगा। ओवरऑल और कोई दिक्कत इस बाइक में है नहीं, आप लॉन्ग टर्म पर इसको यूज़ कर सकते हैं, 40-50 हज़ार किलोमीटर आराम से इस इंजन को आप ले जा सकते हैं, 60 हज़ार किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं, अगर आपका मेंटेनेंस और ज़्यादा अच्छा है और आपका राइडिंग स्टाइल और ज़्यादा अच्छा है तो और ज़्यादा अच्छा जा सकता है। ओवरऑल सर्विस सेंटर से जो सर्विस मिलती है उससे आप आराम से 50-60 हज़ार किलोमीटर इस बाइक को, इंजन को रेव कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं, और 45 का माइलेज मिल जाएगा, और 1,24,000 यानी कि उससे लगभग आपको 4,000 रुपये कम पड़ती है। तो अगर डेफिनेटली बोलूं कि अगर थोड़ा सा आपको और डिज़ाइन चाहिए, थोड़ा और अच्छा लुक चाहिए, तो आप FZS की तरफ जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल में बस, कोई दिक्कत नहीं आपको, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कोई प्रैक्टिकल नहीं लगता है यूज़ आपको, तो आप FZ की तरफ भी जा सकते हैं, 4,000 वहाँ पे आपको कम लगेंगे। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं या टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो यामाहा के शोरूम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो फाइनेंस पे भी परचेस करना है तो इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, अगर आप पटना से हैं तो। बाय बाय।